लक्ष्मण के जाने के पश्चात लंकापति रावण साधु वेश में उपस्थित हुए। वे भिक्षा मांग रहे थे। सीता भिक्षा देने रेखा के बाहर चली गई। रावण शक्ति से सीता को रथ पर खींच लिया। बचा, 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 प्रभु राम, कहाँ हैं आप? प्रभु राम, कहाँ हैं? बचाइए मुझे, बचाइए। चलो, चलो, छोड़ दे, चलो, छोड़ दे काकी, छोड़ दे तू, प्रभु राम। बचाइए मुझे प्रभु राम, लक्ष्मण कहाँ? चलो, बचाइए मुझे कोई, छोड़ दे पापी, अरे दोस्त छोड़ मुझे। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा सुंदरी, कोई नहीं बचाएगा। बचाओ, बचाओ, मैं तुम्हें अपने राज्य लंका ले जाकर विवाह करूंगा। बचाइए मुझे, बचाइए। वापस आने पर राम और लक्ष्मण सीता को कुटिया में ना पाकर बहुत विचलित हुए। राम और लक्ष्मण ने समस्त वन, पहाड़, पर्वत, नदी, चप्पे चप्पे हर तरफ सीता को ढूंढना शुरू कर दिया। दुष्ट रावण जब सीता को लेकर वायुपथ से जा रहा था, उस समय सीता फूट फूट कर चित्कार कर रही थी। प्रभु बचाओ, बचाओ मुझे, प्रभु छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, प्रभु बचाओ, बचाओ मुझे, प्रभु। कोई है, उस समय एक वृद्ध जटायु एक पेड़ पर सो रहे थे। प्रभु बचाओ, बचाओ मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, तुम कहाँ हो? प्रभु, प्रभु, बचाओ मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, प्रभु, तुम कहाँ हो? प्रभु, बचाओ, बचाओ, सीता का चित्कार सुनकर जटायु रावण का पथ रोकना चाहे। जटायु बहुत देर तक रावण से लड़ते रहे। परंतु जटायु तो वृद्ध थे, रावण के सामने नहीं टिक पाए। जटायु के दोनों पर रावण ने काट दिए। किंतु राम और लक्ष्मण को यह अशुभ समाचार देने के लिए जटायुराज जीवित थे। राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जटायुराज के पास आए। जटायुराज उन्हें सब कुछ बताने के बाद अपना प्राण त्याग दिए। पिता के मित्र जटायु की मृत्यु से
राम लक्ष्मण बहुत दुखी थे। उनकी अंतिम क्रिया करने के बाद सीता को ढूंढने फिर से निकल पड़े। बिना रुके हुए रात दिन सीता को ढूंढते रहे। एकाएक भयानक ध्वनि से सारा जंगल कांप उठा। राम लक्ष्मण एक वृक्ष के नीचे चिंतामग्न बैठे थे, तभी सामने उपस्थित हुए महावीर हनुमान। राम लक्ष्मण धनुष बाण उठाना चाहा। डरिए मत, आप सत्य और शक्तिमान लग रहे हैं, आप परिचय देने का कष्ट करें। सामने पर्वत पर वानर राजा सुग्रीव रहते हैं, वे वीर और धार्मिक हैं। वे आपसे मित्रता करना चाहते हैं। मैं उनका मंत्री, मेरा नाम हनुमान है। ठीक इसी जगह से वीर सुग्रीव और रामचंद्र की मित्रता शुरू हुई। सुग्रीव रामचंद्र और लक्ष्मण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मैं प्रसन्न हुआ, अति प्रसन्न हुआ प्रभु। मैं आपकी पत्नी सीता हरण के बारे में अवश्य मदद करूंगा प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद सुग्रीव। एक दिन एक राक्षस एक नारी के साथ वायुपथ से जा रहा था। मेरा अनुमान है कि वो आपकी पत्नी थी। जाते वक्त कुछ गहना फेंका था, मेरे पास सुरक्षित है। उसे देखकर आपको पता चल जाएगा। ये देखिए। सुग्रीव के हाथों में सीता के स्वर्ण अलंकारों को देखकर राम विचलित होकर हाहाकार कर उठे। हाय 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 सीते। लक्ष्मण लक्ष्मण, ये तो वही जेवर हैं जिसे सीता पहन रखी थी। ओह, ये क्या हुआ? आप चिंता ना करें प्रभु, मैं सीता को छुड़ाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। आप चिंता मत करें प्रभु। तुम अगर मेरी मदद करोगे सुग्रीव, तो मित्र मैं भी बालिका वध करके तुम्हें किष्किंध के सिंहासन पर बिठाऊंगा। जैसी कहनी वैसी करनी। सुग्रीव किष्किंध आकर बाली को मल्ल युद्ध के लिए आह्वान किया। जब बाली सुग्रीव को मारने के लिए उग्र हुए, उसी समय राम दीवार की ओट से निकलकर एक बाण चलाया। उसी बाण से बाली की मृत्यु हुई। इसके बाद रामचंद्र ने सुग्रीव को किष्किंध का राजा बना दिया। अब सुग्रीव की बारी थी। उसने अपनी विशाल वानर सेना को बुलाकर माता सीता के बारे में बताकर उन्हें ढूंढने के लिए संबोधित किया। मेरे मित्र के लिए तुम सभी वीर वानर सेना पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण माता सीता को ढूंढो। जैसे भी हो माता सीता का उद्धार करना होगा। आज मैं अंग राज्य का राजा हुआ, इसका श्रेय प्रभु श्री रामचंद्र का है, इसलिए माता सीता का उद्धार करना ही होगा। जाओ, तुम लोग ढूंढने निकल जाओ।